Hi everyone. In the last lecture, we read about salts. ठीक है, हम लोग क्या था पिछले लेक्चर में salt के बारे में कुछ पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे salt से salt के importance और कुछ important salts के बारे में. ठीक है ना, तो पहले तो हम common salt की बात करते हैं कि common salt के chemicals क्या होते हैं, इनका कैसे क्या composition वगैरह है. तो ये देखें, सो आवर हेडिंग इज केमिकल्स. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन साल्ट्स के हम लोग केमिकल देखते हैं. देखिए, जो हमारा साल्ट होता है ये क्या होता है, कॉमन साल्ट जो होगा ये कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है ना, सो द साल्ट, द साल्ट फ्रॉम by the combination of hydrochloric acid और hydrochloric acid का जो formula होता है उसे HCl है वो, और क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaOH. ठीक है, तो द सॉल्ट फ्रॉम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जो है वही आपका कॉमन साल्ट होता है, और इसका फार्मूला NaCl होता है. अब इसका रिएक्शन दिखा देते हैं, तो रिएक्शन दिखाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH हो गया, और ये आपका Na और Cl कंबाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे NaCl हो गए, और आपका वाटर रिमूव हो गया. ठीक है, ये आपका रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रहा आपका कॉमन सॉल्ट. ये कॉमन सॉल्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए जो कॉमन सॉल्ट होते हैं वो आपको मिलते कहाँ से, तो जो हमारे कॉमन सॉल्ट होते हैं वो सी वाटर में होते हैं. ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं सी वाटर में ये सॉल्ट डिजॉल्व होता है. इसको तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथड का यूज करते हैं. सो वी कैन से दैट सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट. जो सी वाटर होते हैं उसमें बहुत सॉल्ट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है, तो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटिंग फ्रॉम दीज सॉल्ट by the method of evaporation. हम लोग evaporation method यूज करके सी वाटर से कॉमन साल्ट को सेपरेट करते हैं. देखिए कॉमन साल्ट के कुछ यूज भी होते हैं, देन यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट.
कॉमन सॉल्ट के क्या यूज है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला है सोप बनाने में हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज होते हैं, तो पहला हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो वी कैन से दैट इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सेकेंड यूज इसका हो जाएगा कुकिंग फूड, फूड में यूज करते हैं, इन कुकिंग फूड, खाना बनाने में, ठीक है ना। तो कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। देन थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग फूड के जो फ्लेवर होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड, फूड के फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए। और भी है यूज, और किस में यूज करते हैं हम लोग, जो हमारे फूड होते हैं वो फूड क्या होते हैं एक समय बाद ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम फूड में क्या कर लें सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का यूज करें तो ये कुछ हद तक क्या हो जाएंगे जल्दी ख़राब नहीं हो जाए होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेशन इन मीट्स एंड फिश। देन नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट कहाँ पर यूज होता है, आइस को मेल्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस। इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस, आइस को मेल्ट करने में, ठीक है। ये भी कहाँ पर यूज होगा, जो बहुत ही ठंडे देश हैं, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन दी रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। फिर देखिए और भी इसके यूजेज हैं, और यूज कहाँ पर है, देखिए ये कहाँ पर रॉ मटेरियल में यूज होते हैं। तो इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री सच एज। देखिए जो हमारे पास कॉमन साल्ट है, ठीक है, उसका हम लोग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, और सोडियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देन आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, और सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं वाशिंग सोडा, ये रहा आपका वाशिंग सोडा। फिर आपका आ जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। ये रहा बेकिंग सोडा। देन आपका आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। देन आपका हो गया हाइड्रोजन, हो गया क्लोरीन, हो गया और भी कई मेटल्स हैं लाइक सोडियम मेटल्स, इस समय इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ आपको पढ़ना है, आपके बुक में है, जैसे आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, हो गया सोडियम क्लोराइड, हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ सॉल्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।